Hello, students. Good morning. Welcome to the civics class. So, today we start with the chapter number 6 International Organization, page number 109. The disintegration of the former Soviet Union and the rise of powers like Germany, Japan, China, and India are some of the big realities of the contemporary world. जो सोवियत यूनियन था उससे जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था उससे सेपरेशन स्टार्ट हो गया था उसके बाद कुछ पावर्स ने इमर्ज किया था लाइक जापान जर्मनी चाइना एंड इंडिया जो कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था उसमें एक टफ कंपटीशन दे रही थी सो वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए द सिंपल रीजन इज़ फॉर बिल्डिंग अ ड्यूरेबल स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी रिजोल्विंग सोशल इकनॉमिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम वेज इन विच इंटरनेशनल कॉपोशन शुड बी सिक्योर्ड एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर आर्बिटरी एक्शंस ऑफ द यूनाइट स्टेट्स आर्बिटरी एक्शंस कौन से एक्शंस हो जाएंगे जिनमें आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के कोई भी एक्शन ले सकते हो किसी भी उसमें बेस की ज़रूरत नहीं होती है uh, जो जिसका मन करे वो कर सकता है तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो इस टाइप के जो एक्शंस uh, थे uh, जो इमर्जिंग पावर्स थे उनके अगेंस्ट में इन सबको डील करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा नीड थी एट दैट टाइम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ओके ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स क्या यूज़ uh, था The UNO officially came into existence on 24th October 1945. So, the United Nations existence on 24th October 1945. The number of its original members were 51. So, members थे? 51. And what is the reason behind the establishment of the United Nation? And purpose? The reason was... Fear of death and destruction and building a durable structure of peace and security. Death destruction structure peace ho, security. Ho. Its objective are saving succeeding generations from the sources of war, maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations, establishing conditions under which

प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे द जनरल असेंबली द सिक्योरिटी काउंसिल इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरलिस्ट ऑल द मेम्बर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर द मेम्बर ऑफ जनरल असम्बली सो ये सारे जितने भी मेम्बर्स थे यूनाइटेड नेशन के वो सारे मेम्बर्स कहाँ के थे जनरल असेंबली के थे द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ एक्जीक्यूटि विंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन फिफ्टीन मेम्बर्स फाइव परमानेंट एंड टेन नॉन परमानेंट में आस पार्टीज टू हैव अ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट जिसमें से फिफ्टीन मेम्बर्स सेलेक्टेड थे जो कि फ़ाइव परमानेंट मेम्बर्स थे और टेन नॉन परमानेंट मम्बर्स थे जो कि बोल सकते थे पार्टीज़ को कि एक पीसफुल सजेशन देने के लिए किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर whether it is military action, admission of the new member, election of judges of international court of justice, etc. basis. the economic and social council report on organic, economic, social and cultural and related matters. next is the major specialized agencies program and funds of the united नेशन सम ऑफ द स्पेशलाइज एजेंसीज कौन कौन सी ऐसी स्पेशलाइज एजेंसीज थी उनके क्या प्रोग्राम्स थे एंड वॉट आर द फंड्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सम समलाइज एजेंसीज व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एल ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यू एन ई एस सी ओ यूनिस्को इंटरनेशनल मोनिटरी फंड आई एम एफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी एंड यू एन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ यू एन एच सी आर ये इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से आप डीपली पढ़िएगा इस पर इम्पोर्टेंट एक कर लीजिए एंड वाट आर द चेंजेस चेंजेस दैट हैम आफ्टर द कोल्ड वॉर कौन कौन से चेंजेस थे जो कि आए थे कोल्ड वॉर के बाद में द यू एस हजमनी और डोमिनेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो यू एस हजमनी थी उसका और डोमिनेशन बढ़ गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना एंड इंडिया इमर्ज एज एन इफेक्टिवली इफेक्टिव वॉइस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चाइना और इंडिया एक अफेक्टिव uh, वॉइस की तरह आए uh, सामने आए थे इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ यू एन मेम्बरशिप प्रोग्राम्स कॉस्ड बाई एक्ट्स ऑफ टेर्रिज़म ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग जितने भी प्रॉब्लम्स थे लाइक टेररिज्म ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इन सब पे सीरियसली uh, जो न्यू इमर्जिंग पावर्स थी वो सारे डिस्कशन कर सकते थे नेक्स्ट इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द यूएन रिफॉर्म आफ्टर द कोल्ड वॉर कौन कौन से एस्पेक्ट थे जो कि कोल्ड वॉर के बाद में आए थे देर इज अड ऑफ द एक्सप्रेशन देयर इज़ अ नीड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी था सेकेंडली द पर्मानेंट मेम्बर्स डू नॉट रिप्रजेंट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जितने भी परमानेंट मेम्बर्स थे ये यू एन ऑर्गनाइजेशन में वो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रजेंट नहीं कर रहे थे यूरोप इज़ ओवर रिप्रजेंटेड जो यूरोप था वो उसको ज़्यादा ही ओवर रिप्रजेंटेड हो रहा था सच लार्ज कॉन्टिनेंट्स एज लेटिन अमेरिका एंड अफ्रीका डो नाट हैव अ सिंगल परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट्स uh, हैं लेकिन उनके कोई भी पर्मानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं थे इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ नो पर्मानेंट सीट इन दिक्योरिटी काउंसिल वैसे ही इंडिया की जो कि एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में उसकी भी कोई परमानेंट सीट नहीं थी इन सिक्योरिटी उंसिल नेक्स्ट इज द डिफिकल्टीज डिफिकल्टीजो डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन रिफॉर्मिंग द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर कौन कौन सी डिफिकल्टीज इन्वॉल्व थी इन द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन ऑफ विटो पावर सबसे पहले क्वेश्चन था विटो पावर के ऊपर next is the uh, the superpower exercised by veto recklessly during the course of cold war there is need to end this undemocratic procedure there is no argument on criteria to determine who would give who would get new permanent seats सो so, ये जो एक क्वेश्चन था कि परमानेंट सीट्स किसको मिलेंगी ये बहुत ही एक मेजर क्वेश्चन बन गया था उस टाइम का इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ नेशन विच हैड इकोनॉमिकली बिकेम अ सुपर पावर फॉर एग्जांपल जापान वुड आल्सो हैव मच पावरफुल मिलिट्री रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स इज लाउडेबल ऑब्जेक्टिव बट वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग इन चाइना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जरूरी नहीं कि जिसपे सुपर पावर जिनके पास ज़्यादा हो उनके पास मिलिट्री पावर भी उतनी अच्छी हो या अदर जो ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं जो अदर ऑब्जेक्टिव है जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है उन सारे सेक्टर्स में भी वो कंट्री अच्छे से वर्क कर रही हो नेक्स्ट इज द ज़ूरिडिक्शन ज़ूरिडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जूरीडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन establishment of a human rights council, creation of democracy fund, creating of a pre-building commission, achieving the millennium development goals, such as eradicating extreme poverty and hunger, suppression of terrorist act, and, and action to the protest against atrocities. सो so, जो भी ह्यूमन राइट काउंसिल था डेमोक्रेसी फंड था ये सब को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बाय द यूनाइटेड नेशन इंडिया रोल इन द यूनाइटेड नेशन एंड द केस फॉर अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन एंड द परमानेंट सीट इन दिक्योरिटी काउंसिल इंडिया एक्टिवली हेल्प द यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज इंडिया रेज अगेंस्ट कोलोनाइजेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सो ये जो मैटर्स है लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉइस अगेंस्ट कोलाइजेशन ये सब के अगेंस्ट में इंडिया ने बहुत आ, अपनी वॉइस रेज़ की थी अगेंस्ट ऑल दिस इंडिया विशेज टू बी अ परमानेंट मेम्बर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और इंडिया की क्या डिमांड थी एक विश थी उनकी India ki ki permanent seat honi chahiye in the U security council. She has a large population. India is world's largest democracy. India emerged as a major economic power in the twenty-first century. In the past, twenty-one nominees were elected to several international organizations, such as Human Rights Committee and the International Law Commission. And इंडिया कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट ऑल द यू एन एक्टिविटीज सो ये सारे बेसिस पे इंडिया की भी परमानेंट सीट होनी चाहिए थी इन द सिक्योरिटी काउंसिल ये द यूनाइटेड नेशन ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड नेशन इनिपोलर वर्ल्डेड स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेसिटी कैन रूडली इग्नोर ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान एंड वॉर एंड इराक ऑल इम्पॉर्टेंट यू एन डिसीजन आर मेड इन द वॉशिंगटन सो जो यूनाइटेड नेशंस थी वो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट मेक्स द यूनाइटेड नेशन इनडिसबल क्या जो यूनाइटेड uh, नेशन था उसको क्या चीजें इनडिसबल बना रही थी इट्स सर्व एज अ फोरम वेयर वर्ल्ड लीड्स एक्सचेंज आइडियाज़ ये एक ऐसा फोरम की तरह प्रेजेंट हो रहा था जिसमें वर्ल्ड जो है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहा था यू एनस अचिवमेंट इन द फील्ड ऑफ डी कोलनाइजेशन द यू एन स्टूड फॉर ह्यूमन राइट एवरीवेयर जितने भी ह्यूमन राइट्स थे यू एन सब जगह पर अपना स्टैंड ले रहा था द रोल ऑफ द यू एन पीस कीपिंग फोर्स एंड द यू एन एक्टिविटीज़ डिवोटेड द इकनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट नेक्स्ट इज द हाउ डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल आर द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस द ग्रुप ऑफ एट जी एट एंड सऊदी अरेबिया एंड चाइना मेक अ मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आई एम एफ फंड्स द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द मेजर डोनर्स सो जो वर्ल्ड बैंक है वो भी किसके अकॉर्डिंग वर्क करता था जो इसमें मेजर डोनर्स हैं जिनमें ज़्यादा है, डोनेट uh, किया हुआ है वर्ल्ड बैंक में उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक भी काम करता है डब्ल्यू टी ओज वर्किंग प्रोसेस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट द बिग पावर फोस्ट कंट्रीज़ टू मेक डिसीजन विदाउट सफिशेंट निगोसिएशन और जो डब्ल्यू डब्ल्यू टी ओ का जो वर्किंग प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और जो बिग पावर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है नेक्स्ट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सो वॉट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके एन जी ओ आर वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन फॉर्म बाई इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो एनजीओस ओज होते हैं ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये किसी एक पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन से थ्रू बनाए गए होते हैं जो कि लोगों के लिए वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं इसीलिए जो सम ऑफ़ द ओज वेयर रेड क्रॉस एमिटी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट वॉच ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं एन जी ओ ऐसे हैं जो कि ह्यूमन के लिए उनकी वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं सो फर्स्ट इज वर्ल्ड डब्ल्यू टी ओ इट वॉज स्टैब्लिश इन 1995 इट्स इम्पोर्टेंट फंक्शन आर मेकिंग रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीट्रल ट्रेड एग्रीमेंट सो डब्ल्यू टी ओ क्या है कि आ, जो भी इन, ट्रेड का जो रूल्स होते हैं उनको इस्टबलिश करना और जो कंट्रीज़ के बीच में जो भी आ, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना रोल ऑफ न्यू प्रमिनेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके क्या रोल होते हैं ह्यूमन राइट वॉच का क्या रोल है कि जो जहाँ पे भी ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी तरफ अटेंशन करना जहाँ पे भी उनको डिस्ट्रॉय uh, किया जा रहा है थ्रेटन किया जा रहा है उसके लिए स्टैंड लेना नेक्स्ट इज एम इंटरनेशनल ये क्या है इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम्स रिकोगनाइज बाय द यूनिवर्सल डिक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एग्जीक्यूशन रिलीज ऑफ पर्सन डिटेन पोलिटिकल रिलीजियस ओपिनियंस सो इस टाइप के जितने भी केसेस होते हैं उनके लिए कौन स्टैंड लेते हैं एम एनस इंटरनेशनल ये ये भी एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सो वी हैव कंप्लीट दिज द चैप्टर एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेज नंबर वन थर्टी वन एंड क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पेज नंबर वन थर्टी वन ओके ये दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में कर लीजिएगा बाकी सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको पढ़ने हैं एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर